जय माँ लक्ष्मी। ये मम्मी ने अखंड जोत जलाई है नवरात्र में। आज मेरे व्रत का उद्यापन है। जय माँ लक्ष्मी। मम्मा के देसी काम देखे, रिबनी लगी थे, टी शर्ट ही लाती। वाह मम्मा जी, टेस्टी। बोलो थैंक यू मम्मा पूरी। थैंक यू मम्मा पूरी। वेलकम। कल मैं नहीं फिकर करता। जन्मों बाद प्लान करने लगी थी और हिम्मत बनाई रही थी कि मेरे ट्रेनर ने और वेट ऐड कर दिया उस पर। मतलब रहम नाम की चीज़ है ही नहीं ना। मर मर के प्लैंक हो रहे थे मुझसे, बट स्टिल आई ट्राइड, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद प्रॉपर वर्कआउट शुरू हुआ। 1 महीना किया था, फिर 1 महीना ब्रेक आ गया, अब फिर से। वर्कआउट डन, पसीने आए हैं, पसीने और पिंपल्स देखो मेरे फेस पे। मज़ा आ गया वर्कआउट करके। ना हो व्रत की तैयारियाँ आज कंचकी हैं। पैक कर रही हूँ सब श्रृंगार का सामान, और मैंने ना थोड़ी सी स्टेशनरी मंगवाई थी बच्चों को क्लास में काम आएगी, और टिफिन बॉक्स, मतलब जो जितनी आपकी श्रद्धा जैसे आपको हो पाए, जितनी जो आपको अलाउ करते हो, बाबा जी ने जितना जैसे लिखा है वही होना है। सो वो सब मैं टिफिन बॉक्सेस बॉक्स से निकाल निकाल के रखती हूँ। सो कंचकों की तैयारियाँ हो रही हैं, हलवा बन रहा है, चने बन रहे काले चने। हॉल टेबल वेबल साइड कर दिया हमने, ने आसन ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, पूजा टाइम पे सब पूजा वगैरह रखी देगी। इसमें देसी घी पड़ गया इसलिए पानी ऐसा लग रहा है, और ये खान जो था हमारा मंदिर छोटा है तो मैंने नीचे लाल कपड़े पे रखा है। श्रृंगार कर लिया है, मेन मेन चीज़ें जो होती हैं कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, सूट। और नानू भी आ गए हैं डायलिसिस करा के। पापा ठीक हो आप? हाय। देखो देखो सारे आ रहे हैं, नानी भी आ गई, मामी भी आ गई। हाय। हाय। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आदू कैसा है? मैं ठीक हूँ। जा करो। ये क्या कर के गया? जो कंफर्टेबल नहीं है उसको नहीं लूंगी मैं वीडियो में। ओके, नहीं मेरी कंजक है छोटी छोटी, सबसे छोटी कंजक वही त्रिशा। आज हैप्पी कंजकें। नेहा जी आई है कंजकां लेके जलंधर तो। सो नेहा जी सारी छोटी कंजक में हम देख रही हैं। हाँ जी नेहा जी,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਲੈਪਿੰਗ 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 ਕਰ ਦਿਓ ਕਲੈਪਿੰਗ 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 ਖੋਈ ਗਈ आप उसको बैठने नहीं दे रहे हो एक चेयर पे है नहीं वो बैठ गया मैं अच्छा मम्मा कैसे बोलती है हे 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 कैसे हे हे हां हे अनुष्का कितना छोटी है अच्छा बोलो कुछ हे हे कैसे कैसे हे पूरा बताओ ना कैसे करते हैं मम्मा हे नहीं रिद्धु को तो पता ही नहीं रिद्धु को पता है क्या पता है बताओ तो सही कैसे बोलते हैं उसको मारियो और मान लिया को मैं थप्पड़ लगाऊंगा लगाऊंगा नहीं जो मान लिया मैंने वो मम्मा ने बोला मेरे को ए हे क्या खा के पैदा किया मैंने मुझे भी भूल गया पास्ता ये तो किसने तोड़ा आप ही ने तोड़ा होगा नहीं किसी और ने तोड़ा किसी और किसने नहीं जी तू कुड़िया दे नाम लाई चल है मैंने तोड़ा हाँ देखा अरे चंदन फिर सी और के भी कल आपने जय जय की थी और सी जय जय की थी आपने कल ये हाथ पे क्या लगाया दिखाओ जरा कलर्स वाह ये कहना तेरा सी भी के भी लगाएंगे सी के भी लेंगे कल सो थैंक यू सो मच जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को प्यार देने के लिए लाइक करने के लिए क्योंकि बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब सब लोग आपको लाइक करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और मैंने जो कमेंट के ऊपर रिप्लाई किया इट्स नॉट कि मुझे बॉदर कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फेज़ आया था जब मुझे ऐसे लगता है कि यार क्यों जज कर रहे हैं सब मुझे और मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी कई मम्मियाँ होंगी जिनको फील होता है कि यार हम लोग इतना करते हैं फिर भी सुनना पड़ता है सो प्लीज़ यार मत करा करो ऐसे मैं ये अपने लिए नहीं मैं सबकी मदर के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि यार बहुत कुछ करना पड़ता है हमारी मम्मियों ने जो किया अभी हम माँ बनते तो और कदर होती है बट मैं बता रही हूँ इट्स नॉट एन ईजी जॉब आप नींद वींद ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं बट माँ अपनी ना जान लगा देती है बच्चे के लिए मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार हो गया है जस्ट बिकॉज मुझे ये होता है कि रब ना करे मुझे कुछ हो मेरे बच्चों का क्या होगा हालांकि होंगे सब कुछ जो लोगों के नहीं होते बट माँ बाप होते हैं सो आप उन्हें जज नहीं कर सकते अपने बच्चों के बिहाफ पे बाकी पता नहीं जो लोग जो माँ बाप अपने बच्चों से बड़े सेल्फिश होते हैं अपना पहले सोचते हैं दूसरे को वो पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है माँ बाप कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते सो गाइस बाय आज के लिए इतना ही